हेलो एवरीवन, औसम अकनी उत्रीस के ब्लॉग में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। अभी मैं अपनी दीदी को एयरपोर्ट से लेकर आया हूँ। दीदी आई हैं कनाडा से और इस वक्त रात के बजे हैं 2 और सूटकेस खुला हुआ है, सबके चीज़ें निकल रही हैं और हॉलीवुड का गिफ्ट सबसे पहले निकल रहा है। आप लोग देखिए ये हॉली लोनो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, हरिओम। ऑसम अग्नि उत्रीस के एक और अमेजिंग ऑसम ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो मैं एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। डेवलपमेंट इस एज में 5+ की जो एज होती है उसमें डेवलपमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टच फुट, फिंगर्स क्रॉस्ड, ईशू का डेवलपमेंट आप देखिए। ईशू की निगाहें इस वक्त मेरे खाने पे हैं, पूरा फॉलो कर रही है कि तो अपने डैडी पे। माय डैडा, व्हाट इज माय डैडा ईटिंग? गुड, लुक एट हर, वो ऐसे ही कंफर्टेबली बैठी रहती है पूरा टाइम। ये देख लीजिए अपना एक हाथ साइड में करके ले जाए। उसको ये चाहिए। शी हैज टू ग्रैब इट। इसके टॉयज रखे होते हैं, बाकी चीजें रखी होती हैं, कुशन होता है सीधे। बढ़िया, हमारी इशू स्ट्रॉन्गेस्ट है जी, स्ट्रॉन्गेस्ट है। कि कल रात अपूर्व की सिस्टर आने वाली थी तो दीदी आई। ऑब्वियसली लेट नाइट फ्लाइट्स आर ऑलवेज लेट नाइट, तो कुछ 2 बजे तक दीदी शायद घर आई। एंड जैसे ही डोर खुला, हॉलीवुड जो सो रहे थे, मैं नहीं जा पाई बिकॉज सोनू डिडंट थिंक इट वाज राइट टू डिस्टर्ब इशू। शानी भी रात के 2 बजे उठी हुई है और जैसे ही मैंने कहा ना, ये शानी रात के 2 बजे उठी हुई है, क्या लुक आया पता है एकदम हमारे कैमरे की तरफ। और कितने अच्छे लग रहे हैं, थैंक यू सो मच कि आपने हमें ऐसे दिखाया। कोई बात नहीं। और मेरी माता जी इस तितली के पीछे छुपने की पूरी कोशिश कर रही है। माता जी देखो। अरे माता जी, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नथिंग लाइक गंदे लग रहे हैं? कोई नहीं, सब अच्छे लग रहे हैं। और ये जो है ईशानी के लिए है ना, ये जो विंग्स है वो विंग्स है ईशानी के लिए। अभी आप लोग दीदी के पास चल रहे हैं। दीदी घोड़ा बेच के सो रही थी और वो भाग चुकी है बाथरूम के अंदर। मैं आ रहा हूँ यार, दरवाजा बंद कर रहा हूँ। माता जी प्यार से ईशानी को बुलाती हैं नैनो। नैनो यानी छोटू सा, राइट? बुढ़िया, yeah. आप लोग आज दीदी जाने के उपलक्ष में खाना कुछ आप बनाओ कि कल बनाएंगे? वो दीदी से मुझे पूछना है अगर वो स्पेगेटी खाएंगी या नहीं खाएंगी। अगर वो स्पेगेटी खाएंगी तो मैं सोचती कि पास्ता एंड गार्लिक ब्रेड, नहीं खाएंगी तो फिर पनीर की जाए। आपका नाम क्या है? अपूर्वा पनीर। अपूर्वा पनीर। मेरा नाम क्या है? शिल्पा पनीर। शिल्पा। But I'm hoping he was spaghetti fine. अच्छा, आप लोग ये बताइएगा, दीदी कह रही थी कि उनको चीज से जो है कॉन्स्टिपेशन होता है। आप लोगों के साथ ऐसा कुछ होता है क्या कि चीज अगर आप खा लो तो कॉन्स्टिपेशन होता है? Let me know because उनको I don't know psychological है कि क्या है, but होता है। लोग वीगन हो जाते हैं तो कहते हैं कि they feel कि उनकी स्किन बेटर हो गई और रोना शुरू कर दिया शायद इशू ने। वेरी गुड, लेट्स चेक आउट। चलो Let's check her out. Ishu? अरे दीदी फिर चुप गई। चलो भाई, दीदी एक बार फिर बाथरूम में चुप गई। अगर मैंने कैमरा ऑन रखा तो बाथरूम नहीं रहेगी दीदी। आ जाओ, निकल जाओ। नहीं यार, तू यार अभी तो रोज थोड़े से ब्लॉग डाल ले तो थोड़ा तो यार एफर्ट्स करने पड़ेंगे ना यार अपनी तरफ से, अगर लोग देख रहे हैं सब कुछ कर रहे हैं। मैंने कहा बहुत दिनों से हमने टिपिकल ब्लॉग स्टाइल नहीं किया था ना यार, कि हम लोग थोड़ा सा वी बीन बिजी विद गेस्ट्स एंड पीपल। हां, ये थोड़ा सा हां, आई नो, हमारा घर, हमारे घर में ऐसा लगता है कि आंधी तूफान आतंक मचाए। अब ये पता नहीं कि रिकॉर्ड हो रहा होगा नहीं हो रहा होगा, बिकॉज ये कैमरा का हमने ऑफ कोर्स रिकॉर्ड हो रहा होगा, बट हमारे कमरे में, हमारे हॉल में हमेशा ऐसा लगता है, हमारे बेडरूम में भी जैसे आतंक आया है, क्योंकि हॉली
भागता है हर जगह, तो सारे कुशन हर आधे घंटे में गिरे हुए होते हैं, चीजें बिखरी हुई होती हैं, हमारा गद्दा हमारी बेडशीट इधर बिधर हुआ पड़ा होता है। तो ये कम से कम दिन में 25 बार करना पड़ता है कि आप सब कुछ वापस ठीक करो। फिर आ गया दीदी, फिर बाकी बाथरूम के अंदर। और माता जी को हंसी आ रही है, माता जी तुम भी वैसे काफी शाय हो, तुमको भी नहीं आना कैमरे के सामने, पर ठीक है, बहुत दिख नहीं रहा है, कोई ऐसा जज नहीं करता मम्मी, ये लोग हमें कोई जज नहीं करता, राइट गाइस। ज़ूम। तो ऐसा कुछ है बाहर का नजारा, हमारी छोटी सी बालकनी है जिससे तभी कुछ ऐसा नज़ारा दिखता है, आप लोगों ने हमारे वीडियोस में देखा होगा, है ना। और हमारा एक वीडियो और ड्यू है हाउस टूर का, बट आई डोंट नो, हमारे घर में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं रखी हैं हम लोगों ने, बे मिनिमम जो मतलब अगर चार लोग हैं तो सर चार पाँच छः लोगों की बैठने की जगह है, जो बहुत एसेंशियल चीज़ें हैं सिर्फ वही हैं हमारे घर में। अगर आप लोग फिर भी हमारा घर देखना चाहते हैं तो लेट अस नो, वील डू अ नाइस शॉर्ट वीडियो ऑन इट, एंड फिर मिलते हैं थोड़ी देर। दुनिया के सबसे सबसे अच्छी ना, थैंक यू गॉड। ये जिनके बच्चे हैं और जो ऑब्वियसली उन्हें पता चलेगा कि इस एक मोमेंट में का क्या मतलब है हमारे लिए, हर वो पेरेंट्स समझेगा, हमारे पेरेंट्स बाकी के जिनके छोटे बच्चे दे ऑल नो दिस फीलिंग, जिनके नहीं है उनके लिए हम प्रे करेंगे कि उनके हो जिन्हें चाहिए, बिकॉज़ इट्स सच अ वंडरफुल, क्योंकि ऐसी फीलिंग दुनिया में नहीं है ना, नहीं है यार ऐसी फीलिंग दुनिया में नहीं है, दुनिया की बड़ी से बड़ी चीज, दुनिया की महंगी से महंगी मटेरियलिस्टिक चीज, आपको ये फीलिंग दे नहीं सकती, दे नहीं सकती यार, और मेरे लिए मेरी आंखों के लिए मेरी आत्मा के लिए ये साइट देखना, इट्स लाइक भगवान ने सच में हमें बोला आई लव यू और हमें ये साइट दिखाया, हम लेके जा रहे हैं कुछ घूमने के लिए, बाय।